केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। समन के बाद समन जारी होने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह तय था कि उनकी गिरफ्तारी असंभावी है, इसे अब कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका डाली गई, लेकिन कोर्ट ने भी इस बात का भरोसा देने से इनकार कर दिया था कि पूछताछ के बाद ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी। शाम का अंधेरा होते ही केजरीवाल पर भी ईडी का साया पड़ गया और उन्हें रात करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार ने डरकर यह गिरफ्तारी कराई है। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उनकी सोच को नहीं। इसके साथ ही जेल से ही केजरीवाल सरकार चलाएंगे। सवाल उठता है, क्या ऐसा संभव है? कानून से जुड़े लोग जवाब देते हैं हां, लेकिन अल्प समय के लिए, यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ऐसे में क्या होगा? यह सवाल आम जन के मन में है तो आम आदमी पार्टी और विशेषतः केजरीवाल के मन में भी। यही कारण है कि इसकी तैयारी उन्होंने करीब एक माह पूर्व ही कर ली थी, यानी गिरफ्तारी के बाद का बी प्लान। इस प्लान के तहत केजरीवाल व पार्टी के प्रति ईमानदार व विश्वसनीय को दिल्ली सीएम की कमान सौंपी जा सकती है। यह कौन होगा? तो जवाब सामने है, आम आदमी पार्टी सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी। यह स्थिति हालांकि तभी संभव है जब अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे दे। यहां सवाल यह भी उठता है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने इस्तीफा देने की क्या बाध्यता है? तो जवाब है, नहीं। देश के इतिहास में ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जितने भी गिरफ्तारी हुई है वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही की गई है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में भी इस बात का जिक्र कहीं नहीं है कि जेल जाने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। हालांकि यह मैटर बहुत पेचीदा है, इसके भीतर बहुत सी लेयर हैं, इसलिए हाँ या ना में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर है, गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं है। यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार करना कानूनी रूप से क्या सही है? तो जवाब यह है कि देश में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही क्रिमिनल मैटर में गिरफ्तारी से छूट है, अन्य किसी को नहीं। अब बात करते हैं गिरफ्तारी के बाद की। अगर केजरीवाल को 2 साल की सजा होती है तो वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा होने पर अयोग्य घोषित किए जाएंगे, इसके बाद वे पद से हटेंगे। इसमें भी 6 माह का समय लग जाएगा। अयोग्य घोषित होने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत ये नियम है। अब बात अरविंद केजरीवाल के प्लान बी की। इसके तहत अरविंद केजरीवाल आतिशी को यह जिम्मा दे सकते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके सभी पदभार आतिशी को ही दिए गए। यहां 2 पहलू हैं। एक, केजरीवाल इस्तीफा देकर आतिशी को सीएम बना दें, या फिर सीएम केजरीवाल ही रहें और आतिशी एक्टिंग सीएम का काम करती रहेंगी। यहां यह बात भी केजरीवाल के मन में आ सकती है कि यदि किसी अन्य को सीएम की कुर्सी दे दी गई तो पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। राजनीति में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें नंबर 2 ही नंबर 1 के लिए परेशानी का सबब बन गया। अरविंद केजरीवाल की गुरुवार की रात हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में ही खटखटा दिया था। पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार तानाशाही पर उतारू है, झूठे आरोपों में आप नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। आज इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली। यह वह निर्णय है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलने के मूड में है। वह जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि किस तरह मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने पर उतारू है, उनके नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेजा जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के पास अन्य कोई दरवाजा खटखटाने का विकल्प समाप्त हो जाता है, इसलिए पहले लोअर, फिर हाई कोर्ट और सबके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
इस प्रक्रिया में जो दिन लगेंगे वह लोकसभा चुनाव में माहौल बनाने में काम आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।